और इसे आप पुरानी साड़ी से बना सकते हैं। ये फ्रंट साइड है, या आपके पास प्रिंटेड दुपट्टे पड़े हैं तो आप वो भी इनमें यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रंट साइड, यहाँ बैक साइड, यहाँ इस तरीके से हमने एनवेलप वाला इसमें इसे बनाया है। और इसे बनाने का तरीका बहुत ही इजी तरीके से हम बनाएंगे। तो चल के साथ साथ इस तरीके से हमने मैचिंग टेबल रनर भी बनाया है। ये मैंने वाटरप्रूफ बनाया है, ये रिवर्सिबल है। आप इसे इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे टेबल के सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, बेड के सेंटर में यूज़ कर सकते हैं। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाने का तरीका भी बहुत ईजी है। तो चलिए हम ये दोनों चीज़ें बनाना सीखते हैं। बस कोई भी पुरानी साड़ी हो, कोई भी पुराना दुपट्टा हो, उससे हम बहुत ही सुंदर कुशन कवर बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आप जिस भी कुशन का बनाना चाहते हैं उसका हम नाप लेंगे। कुशन ले लिया, जिसका भी आपने बनाना हो। ये है मेरा 16 इंच, तो ये है मेरा 16 बाय 16 इंच के कुशन के लिए हम बनाएंगे। जैसे मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है, जो भी साड़ी या दुपट्टा आप यूज़ कर रहे हैं उसके नीचे लाइनिंग लगाने के लिए कोई भी कपड़ा हो आपके पास, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से कपड़ा यूज़ करूँगी। मेरे कुशन का नाप आया था 16 बाय 16 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करूँगी सीम अलाउंस। तो हमें जो स्क्वेयर पीस लेना है वो लेना है हमें 17 इंच बाय 17 इंच का। मैंने ये स्क्वायर पीस ले लिया फ्रंट साइड के कुशन के लिए। तो आपका कुशन जितना भी हो उसमें 1 इंच आपको सीम अलाउंस करना है। ये 16 इंच था प्लस 1 इंच 17 इंच, तो ये स्क्वायर पीस लिया है 17 बाय 17 इंच का। बैक के लिए हमें क्या करना है, बैक के लिए भी सेम मैंने 17 बाय 17 इंच का लिया है, उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। सेम 17 बाय 17 इंच का है, बस इसमें मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है एनवेलप साइज बनाने के लिए। तो ये दो पीसेज आपको कट करने हैं। तो जितना भी आपका कुशन आए उसमें 1 इंच सीम अलाउंस रखना है और इस तरीके से आपको दो पीस कट करने हैं। अब आपको क्या करना है, सेम एक पीस साड़ी या दुपट्टे में से इसका कट कर लीजिए और एक पीस साड़ी या दुपट्टे में से इसका कट। मैंने इस तरीके से कट कर लिया, एक साड़ी में से इसमें से कट कर लिया और एक साड़ी का इसमें से कट कर लिया सेम साइज का, एक इसके लिए और एक इसके लिए। अब आपको क्या करना है, इसे इसके ऊपर रखा, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारे दोनों आपस में अटैच हो जाएं और सिलने में हमें इजी हो। सेम उसी तरीके से इसे भी रखिए और इसके चारों तरफ भी सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगा ली, इस पर भी चारों तरफ सिलाई लगा ली और इस पर भी लगा ली, तो लाइनिंग इसके साथ भी अटैच होगी, इसके साथ भी। अब हम इस पर ऊपर वाले पोर्शन पर फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल लगाने के लिए इस तरीके से बॉर्डर में से मैंने कट किया है, तो हम एक तरफ से इसमें फ्रिल डालना शुरू करेंगे। मैंने फ्रिल ली, इसे एक तरफ पे रखिए यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा लूज छोड़ के, इतना छोड़ के यहाँ से हम इसमें प्लीट्स डालना शुरू करेंगे। 1 2, या तो आप हाथ से कच्चा कर लीजिए या इसे पूरा हम पिनअप कर लेंगे। बस इसमें प्लीट डालते रहिए एक एक करके और इसे पूरा पिनअप करते रहिए। यहाँ से हमने शुरू किया है, वापस हमें यहीं पे आना है इसे पिनअप करते हुए। यहाँ से टर्न कर लीजिए और एक प्लेट यहाँ पे भी डाल दीजिए टर्न करते हुए। और यहाँ से इधर को टर्न कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसे पिनअप करना शुरू किया था, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के, तो मैं यहाँ से पूरा पिनअप करते हुए फ्रिल को वापस यहीं पे आ गई। या आप अगर हाथ से कच्चा कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गई। अब इसे यहाँ से कट कर लीजिए एक्स्ट्रा जितना भी आपका आ रहा है।
ही मैंने कट कर लिया, बाकी यहाँ प्लीट्स में एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करना है, इसे और इसे, ये कॉर्नर्स, इसे पहले सिलाई से अटैच कर लीजिए। मैंने इस पे यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब ये जो प्लीट्स हैं, ये जो है सारा, इसे यहाँ पे प्लीट से एडजस्ट कर लीजिए। और इसे पिन कर दीजिए। तो मैंने पूरे समय प्लीट डाल ली। अब इस पे पूरे पे सिलाई लगा लीजिए और पिंस को निकाल, सिलाई लगा ली एक कॉर्नर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पे सिलाई लगा दी और पिंस निकाल दी। अब आपको क्या करना है, पहले हम इसे रेडी करते हैं। तो 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। ये बैक वाला पोर्शन लिया इस तरीके से, सेंटर में से इसे सेंटर में से कट, ये मैंने इसे सेंटर में से कट कर लिया। जहाँ से हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से विड्थ वाइज। अब आपको क्या करना है, इसे यहाँ से फोल्ड कीजिए इस तरीके से। इस पर भी सिलाई लगा लीजिए और इस पर भी सिलाई लगा लीजिए जो हमने बीच में से सेंटर कट किया, फोल्ड करके यहाँ और फोल्ड करके यहाँ, और इन दोनों कॉर्नर्स को फिनिश करिए। सेंटर में से मैंने कट किया था, दोनों तरफ से इसे फिनिश कर दिया। अब आपको क्या करना है, जिसपे हमने फ्रिल बनाई थी ये वाला पीस लीजिए। इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से, एक पीस यहाँ पे और दूसरा इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करके। ये देखिए इस तरीके से ओवरलैप हो जाएगा तो हमारा, ये देखिए, तो ये हमारा एनवेलप वाला बनेगा। इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से। तो ये मैंने रख लिया अच्छे से सेम। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली, इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली। बस अब आप इसे सीधा कर लीजिए। मैंने इसे सीधा कर लिया, तो इस तरीके से ये मेरा कुशन कवर बिल्कुल, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्रंट साइड, बैक साइड, यहाँ से देखिए एनवेलप स्टाइल बना है। आराम से आप इसमें अपना कुशन डालिए। तो ये मेरा कुशन कवर बिल्कुल रेडी टू यूज़। इसमें मैंने कुशन डाल लिया, ये देखिए मैंने इसमें कुशन डाल लिया। तो इस तरीके से ये रेडी हो गया फ्रिल के साथ, फ्रंट साइड, बैक साइड। यहाँ अंदर देखिए मैंने जो कुशन था वो डाल दिया, और यहाँ पे ये पूरा इनवेलप वाला हमारा ये कुशन कवर बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो। तरीके से आप साड़ी से जितने पिलो कवर बनाना चाहें अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम टेबल रनर बनाएंगे वाटरप्रूफ। आप उसे बहने के लिए हमें क्या चाहिए, ये देखिए 2 मैंने पीसेस साड़ी में से कट किए हैं, 2 प्रिंटेड के और सेम उसके साथ 2 लाइनिंग प्लेन की। चारों के मेजरमेंट सेम है, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आप लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंगली बड़ा या छोटा रनर बना सकते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ कि मैं कितना बना रही हूँ। इसकी विड्थ मैंने ली है 17 इंच और इसकी लेंथ है 39 इंच। तो ये 4 पीसेज हैं सेम मेजरमेंट के, 2 प्रिंटेड और 2 प्लेन। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको लाइनिंग वाला पीस लिया मैंने, इसके ऊपर इस तरीके से मैं ये रखूँगी। इसके चारों तरफ सिलाई से इसे इसके साथ अटैच कर लीजिए, सेम उसी तरीके से इसे सिलाई लगा के इसके साथ अटैच करिए। ये मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली। तो एक पीस ये और ये एक पीस ये, दोनों रेडी हो गए। अब आपको क्या करना है, ये रखा, इसके ऊपर आपको ये दूसरे वाला पीस रखना है इस तरीके से, और इसके तीनों तरफ सिलाई लगा लीजिए यहाँ से लेके यहाँ दूसरे कॉर्नर तक। सिर्फ एक साइड से छोड़ दीजिएगा, वहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। तीनों तरफ सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके वहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से मैंने इसे ओपन छोड़ दिया, यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए। इस तरीके से, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बन गया पूरा लंबाई में।
ऐसे। और हमें अब क्या करना है, इस तरीके से जो प्लास्टिक वाला आटा बैग होता है वो हम इसके बीच में इंसर्ट करेंगे। तो इसके साइज़ का मैंने ये कट किया है। इसके बीच में तो एक ये आ गया, बीच में मेरा आटा बैग आ गया और बीच में ये आ गया। तो इस तरफ से भी ये वाटरप्रूफ बनेगा, इस तरफ से भी वाटरप्रूफ बनेगा बीच में, क्योंकि हमारे प्लास्टिक वाली शीट आ जाएगी। ये एक्स्ट्रा मैंने कटिंग कर दिया, बाकी सारा मैंने इसके बीच में इंसर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से भी हम इसे फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ से इसे ऐसे फोल्ड कीजिए इस तरीके से, और यहाँ से इसे ऐसे फोल्ड कीजिए। ऐसे फोल्ड करते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए। इसे फोल्ड किया, इसे ऐसे फोल्ड किया, यहाँ से लेके पूरे चारों तरफ इसके सिलाई लगा लीजिए। एक सिलाई कॉर्नर में लगा लीजिए और एक सिलाई 1 इंच छोड़ के इसके चारों तरफ ही मैंने इस पर सिलाई लगा ली। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, वाटरप्रूफ, रिवर्सेबल। आप इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं, और ये वाटरप्रूफ भी है क्योंकि इसके बीच में हमने प्लास्टिक वाली शीट डाली हुई है। तो आप